और अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां आमजन की समस्याओं को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर सभागार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जयपुर शहर के विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, गंगा देवी और विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी भी मौजूद रहे। सभी विधायकों ने अपने अपने इलाके में आ रही समस्याओं को लेकर बात रखी। खाचरियावास ने शहर में पेयजल सप्लाई को दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। जहां पर समस्या है उसे त्वरित दूर करने के निर्देश दिए और साथ ही बिजली, यातायात, कचरा परिवहन को लेकर भी अधिकारियों से यहां पर चर्चा की गई। खाचरियावास ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को भी लताड़ पिलाई। उन्होंने आरक्षित वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए और इसमें बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने बजट का रोना रोया और इस पर खाचरियावास ने बताया कि बजट की कोई समस्या नहीं है, मुख्यमंत्री ने बजट की स्वीकृति दे दी है, बस जनता किसी तरह से परेशान नहीं रहे। एजेंडा एक ही है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार लोगों तक सही काम करने के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए, जन कल्याण के लिए कृत संकल्प है। जब हम चुनाव जीत कर आए उसके बाद आपको पता है कि आचार संहिता लग गई, डेढ़ दो महीने मुश्किल से सरकार काम कर पाई, लेकिन इसमें भी लोगों तक बड़े काम, बड़े फैसले हमने लिए। आज हमारी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस की एक ही नीयत है, कांग्रेस सरकार का हर प्रतिनिधि सेवक बनकर काम कर रहा है। आज हमने सब विभागों की मीटिंग ली है, सबको डायरेक्शन दिया है। आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। आम आदमी किसी भी सरकारी कार्यालय में आए तो सरकारी योजना उस तक पहुंचे, उसका तुरंत काम हो, समाधान हो। आज हमने हर डिपार्टमेंट की अलग अलग मॉनिटरिंग मीटिंग ली है, कितने विकास हो रहे हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो जनता की प्रॉब्लम जब हमारे पास आती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार है तो सरकार सिर्फ नारे और भाषण से नहीं चल रही है, सरकार धरातल पर काम करना चाहती है। सीवरेज पानी के बारे में हम बहुत ज़्यादा सहनशील हैं। पिछली सरकार ने कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं दिया। सीवरेज की जहाँ ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज होते ही पानी, गंदे पानी का कनेक्शन पीएचडी के साथ हो जाता है। तो दोनों डिपार्टमेंट को आज ये हिदायत दी गई कि दोनों मिलजुल करके ये मेक श्योर करें कि कहाँ ये कनेक्शन मिल जाते हैं आपस में, और वहाँ अगर जरा सी भी ब्लॉकेज हो तो वहाँ वॉर फुटिंग पे काम हो ताकि उसका अफेक्ट पानी की सप्लाई में नहीं आए, इसके डायरेक्शन उनको दिए गए। हमने आदर्श नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेशली हमने करीब 70-80 बोरिंग किए और प्लान हमने जैसी हमारी सरकार बनी जनवरी में ही हमने प्लान कर लिया था कि भाई इस साल बीसलपुर में हमारे पास पानी कम है और हमें अंदाज़ा था कि जब तक गर्मी आएगी तब तक जो कंजम्पशन है उसके हिसाब से हम पूरी सप्लाई जिस रेशो में रिक्वायर्ड है उस रेशो में नहीं दे पाएँ, तो उसका जो एडिशनल वाटर का इंतजाम हमने ज़मीन में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट